आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। हमारे सामने तीन लूप दिए हुए हैं, 13, 17, 221, दूसरा है 12, 19, 228, तीसरा है 13, 18 और प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर इन चारों में से कौन सी संख्या आएगी वो हमें बताना है। चलिए इन लूप में ऑर्डर देखते हैं किस तरह का फॉलो हो रहा है। 13 और 17, ठीक है, 17 का वर्ग करेंगे, बड़े वाली संख्या का वर्ग करेंगे। 17 का वर्ग होता है 289, फिर इन दोनों का अंतर निकालेंगे, कितना होता है, 17 माइनस 13 4 होता है, तो 4 चौके 16, 289 में से देखो इनका अंतर कितना आएगा, 4, और फिर उसको संख्या को 7 से 17 से गुना करेंगे बड़े वाली संख्या से, अंतर को यानी कि 17 माइनस 13 बराबर 4 गुना में बड़े वाली संख्या, कितना आ गया, 68, और इसमें से जब इसको घटाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 221 आएगा। चलिए आगे वाला लूप ऐसे ही तैयार करते हैं कि 19 गुना 19 कितना होता है, 19 गुना 19 करेंगे हम, ठीक है, और उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसका उत्तर आता है 361, और फिर क्या करेंगे, 19 में से 12 घटाएंगे, 19 माइनस 12 बराबर कितना आता है, 7, ठीक है। अब 7 को हम 19 से गुना करेंगे, 19 गुना 7 और फिर उसको इसमें से घटा देंगे, 19 गुना 7 कितना, 133 होता है, ठीक है, तो यहाँ पर ये आएगा 133, 361 में से 133 घटाएंगे तो कितना आ रहा, 228 आएगा। ऐसे ही 13 और 18 वाले का करते हैं, तो 13 यानी कि 18 गुने 18 324, ठीक है, और इसके बाद में इनका अंतर 5, तो 18 गुने 5 यानी कि 90, और इसमें से जब 90 घटाएंगे, 324 में से 90 घटाएंगे कितना आएगा, 234 आएगा। ये हमारा आंसर कौन सा, सेकंड। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।